प्यारे बच्चों, मैं स्नेहलता सिंह, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, हम कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम नागरिक शास्त्र की द्वितीय पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पहले भाग में पढ़ा क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्या होती हैं, स्वायत्तता की मांग क्या होती है, भारत सरकार ने इन सभी मांगों पे अपना क्या दृष्टिकोण रखा, और इसके साथ ही साथ बच्चों हमने पढ़ा कि भारत के जो 4 राज्य थे जो समस्याग्रस्त थे, उसमें से हमने जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हमें इस अध्याय के अंतर्गत जो भाग 2 है उसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है। प्रथम भाग में बच्चों हमने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद यहाँ तक का अध्ययन किया था। आगे हम देखेंगे दक्षिण भारत का प्रसिद्ध आंदोलन द्रविड़ आंदोलन, इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि पंजाब आंदोलन और अलगाववाद क्या था और सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और अलगाववाद, हम अपने देश के उत्तर पूर्वी राज्य की समस्याओं के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। समाहार व राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता को बनाने के लिए क्या समाधान करने चाहिए, सरकार को क्या प्रयत्न करने चाहिए, इन सब की हम जानकारी लेंगे और अंत में हम आपको अभ्यास कार्य बताएंगे। तो आइए हम आज भाग 2 का जो प्रथम टॉपिक है द्रविड़ आंदोलन, वहां से शुरुआत करते हैं। द्रविड़ आंदोलन, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह दक्षिण भारत के द्रविड़ आंदोलन का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। यह नारा जो मूल रूप से था वह तमिल भाषा में था और यह इसका हिंदी रूपांतर है। इस नारे से ही आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। भारत में वैसे तो बहुत सारी जातियों के लोग निवास करते हैं, लेकिन जो मुख्य दो प्रजातियाँ रहती हैं वह है उत्तर भारत में आर्य प्रजाति और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति। जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनके मन में एक धारणा है कि जो स्थान भारत की राजनीति में, भारत के सांस्कृतिक वर्चस्व में, भारत के आर्थिक वर्चस्व में उत्तर भारत का है, वह स्थान दक्षिण भारत का नहीं है। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1920 में तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, ने किया था। अर्थात 1920 में तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार, पेरियार इनकी उपाधि है जिसका मतलब होता है महान व्यक्ति, इन्होंने किया था। मूलतः पेरियार जो थे वह यह मानते थे कि जाति व्यवस्था उचित नहीं है और समाज में सभी व्यक्ति समान है, तो जो स्थान जो वर्चस्व ब्राह्मणों और उच्च वर्गों का है वही स्थान समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का होना चाहिए, और वस्तुतः तो हमारा संविधान भी तो यही कहता है बच्चों। और दूसरा, पेरियार ने जो शुरुआत किया था कि इसके साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि भारत के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जीवन में उत्तर भारत के वर्चस्व का विरोध। तो द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत ईवी रामास्वामी ने किया था, वह था ब्राह्मणों और उच्च सामाजिक वर्गों के वर्चस्व के विरोध को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन फैलते फैलते इस बात पे आ गया कि दक्षिण भारत को भी उत्तर भारत के समान सम्मान, अधिकार और स्थान प्राप्त होना चाहिए। दक्षिण भारत में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व और उदय, इसमें है नायकर द्वारा 1944 में द्रविड़ कड़गम नामक पार्टी की स्थापना की गई। ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था द्रविड़ कड़गम। बाद में द्रविड़ कड़गम का विभाजन हो गया और इस विभाजन के बाद द्रविड़ मुन्नेन कड़गम नाम की एक पार्टी बनी, और बाद में दक्षिण भारत के जो आंदोलन था द्रविड़ आंदोलन, उसकी समूची जो राजनीति थी वह द्रविड़ कड़गम के हाथों से खिसक करके द्रविड़ मुन्नेन कड़गम के हाथ में चली आई। वस्तुतः कोई विशेष अंतर आंदोलन को लेकर के नहीं हुआ, उनकी भी लगभग वही मांगी थी जो कि द्रविड़ कड़गम पार्टी की थी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये द्रविड़ मुन्नेन कड़गम पार्टी है बच्चों, जिसको कि डीएमके पार्टी भी कहते हैं, उन्होंने जो सबसे पहला विरोध किया वह हिंदी भाषा को लेकर के।
द्रविड़ मुनेन कड़गम ये मानती थी कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदी भाषा की ये प्रबल विरोधी थी। इसके साथ ही साथ इस पार्टी ने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया और तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने की भी बात कही। इस पार्टी ने अलग राष्ट्र की मांग भी एक समय की थी, लेकिन बहुत जल्द ही इन्होंने अपनी इस मांग को वापस ले लिया। फिर बाद में चल के पार्टी का विभाजन भी हो जाता है और द्रविड़ मुनेन कड़गम का विभाजन होने के बाद इसी पार्टी से अन्ना द्रविड़ मुनेन कड़गम नामक एक नई पार्टी की भी का भी अस्तित्व सामने आता है। द्रविड़ मुनेन कड़गम पार्टी एमके करुणानिधि ने इसको संचालन किया और अन्ना द्रविड़ मुनेन कड़गम पार्टी एमजी रामचंद्रन थे और एमजी रामचंद्रन के बाद जयललिता ने इस पार्टी की कमान को संभाला। जयललिता नाम से आप परिचित होंगे, दक्षिण भारत की एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और सुप्रसिद्ध नेत्री। बाद में बच्चों दक्षिण भारत का जो संपूर्ण राजनीतिक था ये दो ही पार्टियों के इर्द गिर्द घूमता है और इस समय निसंदेह अन्ना द्रविड़ मुनेन कड़गम पार्टी में जयललिता की मृत्यु के बाद, जो कि 2016 में हुआ था, थोड़ी सी स्थिरता आ गई है, थोड़ी सी गुटबंदी भी बढ़ गई है, लेकिन आज भी दक्षिण भारत में यही दो पार्टियां अस्तित्व में हैं। तो बच्चों ये आपने देखा कि द्रविड़ आंदोलन क्या था और द्रविड़ आंदोलन की मांगें क्या थी और इनके आंदोलन की मुख्य मुख्य चीज़ें क्या थी। अब हम जो दूसरी समस्या हमारे देश की है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पंजाब आंदोलन तथा अलगाववाद। पंजाब शब्द का नाम लेते ही आपके सामने बच्चों बॉलीवुड फिल्में, लहलहाते खेत, अच्छे खासे भांगड़ा नृत्य, ये सब आंखों के सामने आपके आ जाता होगा। निसंदेह पंजाब की तो ये सारी विशेषताएं हैं ही, लेकिन आज हमें जिस पंजाब के बारे में पढ़ना है वह ये है कि पंजाब की समस्या क्या थी। तो पंजाब 1980 में पंजाब राज्य में बहुत सारे बदलाव हुए। बदलाव क्या थे? पंजाब का पुनर्गठन करके हिमाचल प्रदेश और हरियाणा नाम के दो नए राज्य बना दिए गए। यहाँ पे जैसे आपको स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हिमाचल प्रदेश हरियाणा राज्य का गठन किया गया और इसका आधार क्या था? जो 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया था उसका आधार धार्मिक और भाषाई था। लेकिन पंजाब का पुनर्गठन करने के बाद भी अकाली दल, जो वहाँ की एक प्रमुख पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी बच्चों, और 1920 में जिसका उदय हुआ था उसके मन में हमेशा एक डर था, क्योंकि अकाली दल को वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो कि उसने आशा की हुई थी। वहाँ पर समय से पहले ही उसके कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और इसके साथ ही साथ जो सिखों में दलित थे उनका समर्थन भी अकाली दल को प्राप्त नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ हिंदू का एक बहुत बड़ा वर्ग था वो भी अकाली दल के साथ ना जुड़ करके कांग्रेस के साथ जुड़ा और सिखों का दलित कौम तो मतलब कांग्रेस के साथ जुड़ा ही हुआ था। तो ये सारी समस्याएं अकाली दल के साथ थी। अकाली दल को जब ये बात पता चल गई तो उसने स्वायत्तता की मांग करना शुरू कर दिया, पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग करना शुरू कर दिया और वहाँ पर आंदोलन भी शुरू हो गया। वहाँ पर आंदोलन किस बात को लेकर शुरू हुआ? अकाली दल ने सिख समुदाय के लिए पंजाबी सूबा की मांग की और 1973 में पंजाब के लिए आनंदपुर साहिब में स्वायत्तता की मांग की। इस आंदोलन में सिख कौम, सिखों का बोलबाला जैसे शब्द बड़े ही प्रचलित हुए। अगर हम एक झटके में देखें तो ये सारे शब्द आपको ऐसे प्रतीत होंगे जैसे ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हों, लेकिन वास्तव में अगर हम ध्यान दें, हम इसकी गहराई में जाएं, तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कहीं ना कहीं इसमें अलगाववादी तत्व भी छुपे हुए हैं। वस्तुतः यह स्वायत्तता की मांग धीरे धीरे अलगाववाद में परिणित हो गई और पंजाब एक हिंसक रूप में प्रकट होने लगा। पंजाब पूरा हिंसा की चपेट में आ गया। हिंसा का चक्र, खालिस्तान की मांग। अकाली दल ने स्वायत्तता को अलगाववाद का रूप दे दिया और आंदोलन जो था, जो पहले नरम पंथियों के हाथ में था, जो सशस्त्र विद्रोह की राह नहीं अपनाते थे, उनके हाथों से निकल करके चरम पंथियों के हाथ में आ गया, जिसने खालिस्तान नाम से अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया। सिखों का जो पवित्र स्थल है अमृतसर मंदिर, जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसको हथियारबंद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया और
जो अलगाववाद की संपूर्ण योजना थी वह इसी मंदिर से संचालित की गई थी। सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया उग्रवाद को रोकने के लिए। सरकार ने उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1984 के जून माह में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जिसमें उग्रवादियों का तो सफाया हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन में, इस कार्रवाई में स्वर्ण मंदिर को बहुत ही क्षति पहुंची। सिखों ने यह माना कि सरकार ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है क्योंकि स्वर्ण मंदिर का नुकसान हुआ था। सिर्फ देश ही नहीं बच्चों, वरन विदेश में रहने वाले सिखों को भी के मन में भी यह बात घर गई कि सरकार ने उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की है और इसलिए अकाली दल को और भी बल मिला कि वह अपने कार्य को और भी आगे बढ़ा दें। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। सरकार ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था बच्चों, वहां पे उग्रवादी तो मारे गए लेकिन सिखों के साथ भी बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी। लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2000 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। कहा तो यह भी जाता है कि कुछ कुछ ऐसे परिवार थे जहां पे कोई भी सिख पुरुष नहीं बचा, तो इसलिए जनता के अंदर भी क्षोभ था। और वहां पे इंदिरा गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उस समय की, उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दिया और इस हत्या के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के बहुत सारे क्षेत्र, विशेषकर दिल्ली, कानपुर, बोकारो में हिंसा भड़क उठी। सिखों को कहीं भी देखा जाता उन्हें मार दिया जाता था और हिंसा का दौर चलता रहा। लंबे समय तक यह हिंसा का दौर चला। बाद में सन 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने सिखों पर अत्याचार के लिए संसद में माफी मांगी संपूर्ण देश से। जो पंजाब की घटना थी उस समय अखबार की सुर्खियों में भी थी। आप ये देख रहे हैं बच्चों, ये सारे पेपर की कटिंग्स हैं, यहाँ पे पेपर की न्यूज़ है कि किस तरीके से जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो घटनाएं घटी थी किस तरीके से इनको प्रमुखता दी गई थी न्यूज़पेपर में, अखबारों में। शांति की ओर पंजाब, पंजाब शांति की राह पे धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। एक दशक तक बहुत ही मुश्किलें आई पंजाब को शांति की राह में चलने के लिए। मुश्किलें क्या थी वहां पे? मुश्किलें ये थी कि अभी भी लोगों के मन से क्रोध नहीं निकला हुआ था, वहां पे अभी भी जनता के अंदर क्षोभ था। बाद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अकाली दल अध्यक्ष हरिचंद सिंह लोंगोवाल के साथ जुलाई में एक समझौता किया। समझौते में क्या हुआ? समझौते में चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया और पंजाब और हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद था उसको सुलझाने के लिए कि एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ साथ जो जल बंटवारे का विवाद था, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लेकर के रावी व्यास जल विवाद था, उसके लिए भी एक सामने एक बात आई कि एक ट्रिब्यूनल जिसे न्यायाधिकरण कहते हैं का गठन किया जाएगा। तो इससे यह समस्या का समाधान हो गया, लेकिन शांति बहुत आसानी से कायम नहीं हो पाई। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में जा कर के पंजाब में धीरे धीरे शांति स्थापित हो पाया। 1992 में पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन महज 24-25% वोट वहां पे पड़े थे। पुनः 1997 में भाजपा और अकाली दल ने एक साथ मिलकर के गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा और वहां पे उनके गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद वहां पर उग्रवाद की समाप्ति के बाद वह पहला चुनाव था 1997 का विधानसभा। और धीरे धीरे आज पंजाब एक ना सिर्फ शांति की राह पे अग्रसर है वरन वह धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आज भी वहाँ पे खालिस्तान अलग राज्य की मांग कहीं ना कहीं बहुत ही धीमे रूप में लेकिन उठती अवश्य है। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और अलगाववाद। पूर्वोत्तर भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य जो अपने आप में असीम प्राकृतिक सौंदर्य को समाहित किए हुए है, इस राज्य की समस्याएं भी बहुत ही जटिल थी। इस राज्य में तीन समस्याएं थी बच्चों पूर्वोत्तर में। पहले हम ये जान लेते हैं, इसके हम राज्यों के बारे में जानकारी लेते। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं जिन्हें सात बहनें भी कहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में तीन प्रकार की समस्याएं थी। पूर्वोत्तर के सात समस्याओं से पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से थोड़ा सा, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें पूर्वोत्तर जो है वह भारत से दूर है। 22 किलोमीटर एक लंबी राहदारी पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ती है, नहीं तो इसकी जो सीमाएं हैं वो चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है ये। तो पूर्वोत्तर की जो तीन प्रमुख समस्याएं थी वो क्या थी? स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। सबसे पहले हम स्वायत्तता की मांग को देखते हैं। स्वायत्तता की मांग में मणिपुर, त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी के राज्य पहले असम कहे जाते थे। गैर असमी लोगों को लगा कि असम सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है, तो इन इलाकों से स्वायत्तता की मांग उठी। असम वस्तुतः जनजातियों का एक समूह था। वहाँ पे जो मतलब असम जो असमी नहीं बोलते थे उनके मन में एक धारणा व्याप्त हो गई थी कि जो असम सरकार है उन पर जबरदस्ती असमी भाषा को थोप रही है, तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा और इस बात को आधार बना करके जो वहाँ के जनजातीय समूह के नेता थे उन लोगों ने असम से अलग होने की मांग कर दी। उन्होंने स्वायत्तता की मांग रख दी, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनजातीय समुदाय ने मिलकर के ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया जो आल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। इसका जो उद्देश्य था कि उन्हें असम से अलग कर दिया जाए क्योंकि उनकी जो क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं वो असम के साथ मेल नहीं खाती हैं। बाद में यह काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन जब सरकार यह समझ गई कि बिना बंटवारा किए काम नहीं चलने वाला है तो धीरे धीरे जा करके असम का विभाजन किया गया और मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। इसके साथ ही साथ त्रिपुरा व मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन स्वायत्तता की मांग समाप्त नहीं हुई। स्वायत्तता की मांग इतने पर भी समाप्त नहीं हुई। असम में डिमसा, कर्बी, बोडो ने भी स्वायत्तता की मांग उठा दिया। ऐसे में सरकार के सामने यह संभव नहीं था कि उन्हें अलग से राज्य बनाया जाए, लेकिन इनको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया, डिमसा और कर्बी को जिला परिषद और बोडो को स्वायत्त परिषद के अंतर उसको दर्जा दे दिया। अलगाववादी आंदोलन। स्वायत्तता की मांग से निपटना सरकार के लिए थोड़ा आसान प्रतीत हो सकता है क्योंकि क्षेत्रीय विशेषताओं को समाहार करने की जो विशेषता है वो हमारे संविधान में वर्णित है। संविधान में ऐसे बहुत सारे हमारे अनुच्छेद हैं जो इस बात को कहते हैं कि हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अपनाना चाहिए, लेकिन अलगाववाद से निपटना सरकार के लिए उतना आसान नहीं हो पाया। कारण क्या था कि जो अलगाववाद का निर्णय था बच्चों, जो अलगाववाद की मांग थी वह कोई क्षणिक आवेश में आकर के लिया गया फैसला नहीं था, वरन सोची समझी रणनीति के तहत प्लानिंग के साथ किया गया था। तो ऐसे में सरकार को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था अलगाववाद से निपटने के लिए। हम पूर्वोत्तर के अलगाववाद के बारे में देखेंगे। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल पड़ा और सरकार की कार्रवाई से जनता संतुष्ट नहीं हुई। मिजो के लोग यह मानते थे कि वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें भारतीय संघ का अंग नहीं बनाना चाहिए। इसी बीच उनके मन में इस बात को लेकर के क्रोध तो था ही। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में अकाल पड़ गया और सरकार ने प्रबंध किए, लेकिन वह प्रबंध जनता को नाकाफी लगा। तो क्या हुआ कि वहाँ की जनता सरकार से असंतुष्ट हो गई और उसने लाल डेंगा के नेतृत्व में लोगों ने मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की और अलग राष्ट्र बनाने के लिए हथियार उठा लिए। यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट, जिसकी अगुवाई या नेतृत्व जो भी आप कहिए लाल डेंगा कर रहे थे और जिनको मिजो की संपूर्ण जनता का समर्थन भी प्राप्त था, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। आंदोलन में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी। आगे चलकर भारतीय सेना और नेशनल फ्रंट में दो दशकों तक युद्ध चला। इस युद्ध को पाकिस्तान का समर्थन भी मिला, अर्थात पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं लाल डेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट को सहायता प्रदान की थी। यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। पूर्वी पाकिस्तान जो इस समय का बांग्लादेश है वहाँ पर मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। यह युद्ध लगभग
दो दशकों तक चलता रहा। बाद में 1986 में लाल डेंगा और राजीव गांधी के मध्य समझौता हुआ और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोनों पक्षों को यह लग गया कि हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए वरना समस्या ऐसी ही रह जाएगी। तो लाल डेंगा जो पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे थे भारत आए और 1986 में राजीव गांधी के साथ उन्होंने समझौता किया और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री हुए और आज बच्चों मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांति प्रिय राज्य है जहाँ पे साहित्य कला और विज्ञान की प्रगति बहुत ही तीव्र और अच्छी गति से हो रही है। ये उस समय के पेपर के कुछ हेडलाइंस हैं जो आप देख रहे हैं सामने, जो अलगाववाद को लेकर के थी, बहुत देखिए दो तीन भाषाओं में थी। यहाँ पे ये बताया गया था कि पूर्वोत्तर का जो अलगाववाद था वो उस समय देश का एक प्रमुख घटना था जिसको लगभग सभी न्यूज़पेपर ने, टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि भारत का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसने भी स्थान दिया था। पूर्वोत्तर की तीसरी समस्या, तीसरा मुद्दा, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। निसंदेह बहुत बड़ा मुद्दा था। बाहरी लोग, जिसे हम लोग अप्रवासी भी कहते हैं, विशेष तौर पे असम में यह समस्या बहुत विद्यमान थी। असम के जो लोग थे वह सोचते थे कि जो बाहरी लोग हैं उनकी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, जो बाहर से लोग आए हुए उनकी ज़मीन पे कब्जा किए हुए बाहरी हैं जो उनके अधिकार को छीन रहे हैं। इस बात को लेकर के उनके अंदर बड़ा ही क्रोध और बहुत ही क्षोभ था। 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला। इस आंदोलन का नेतृत्व आल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने किया, अर्थात जो बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन था उसका नेतृत्व आसू ने किया। आसू का जो आंदोलन था वो किस बात को लेकर के था कि जो अवैध अप्रवासी हैं, जो बंगाली हैं और जिन्हें मतदाता सूची में लाखों अप्रवासी लोगों को जो स्थान दे दिया गया है, सरकार उस चीज को तुरंत ही वापस ले, और वह इसके खिलाफ थे। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। जब इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, आंदोलन बहुत ही व्यापक स्तर पर बढ़ गया, तो सरकार के सामने कोई चारा नहीं था। तो ऐसे में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संगठन से बात किया। इस संगठन ने बाद में असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर असम गण परिषद नामक पार्टी बनाई। इस पार्टी का उद्देश्य था एक स्वर्णिम असम का निर्माण करना। असम में शांति तो कायम हो गई, लेकिन जो बाहरी लोगों की समस्या थी बच्चों, वो आज भी पूर्वोत्तर भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। विशेष तौर पे त्रिपुरा में, जहाँ के लोग अपनी ही ज़मीन पे बाहरी होकर के रह गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके यहाँ जो आए हैं बाहर से लोग, वह उन पे कब्जा किए हुए हैं। तो इस तरीके से यह बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन था, पूर्वोत्तर की ये तीसरी समस्याएँ थीं। समाहार व राष्ट्रीय अखंडता। क्षेत्रीय आकांक्षाएं किसी ना किसी रूप में आती रहती हैं। राष्ट्रीय अखंडता जो कि 6 दशकों तक चला था, वह इतना आसान नहीं था कि एक ही समय में हम प्राप्त कर लेते, लेकिन इन उदाहरणों से हम सीख सकते हैं सरकार को क्या करनी चाहिए इसमें। सबसे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं, इन्हें हम नकार करके नहीं चल सकते हैं। दूसरा, इनको दबाने की जगह पे इनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से बात की जाए, अर्थात सरकार को इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, इनकी समस्याएं क्या हैं लोकतांत्रिक तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना होगा सरकार को। लोकतंत्र ही खड़ा कर देने से लोकतंत्र नहीं आ जाता। जब तक हम विभिन्न क्षेत्रीय दलों को केंद्रीय राज व्यवस्था में स्थान नहीं देंगे, लोकतंत्र अपने बृहद रूप में परिभाषित नहीं हो पाएगा। और आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में सभी क्षेत्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब एक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा तो निसंदेह वहाँ से आवाज़ें बहुत ही तेज उठेंगी और कभी कभी यह आवाज़ विद्रोह का भी हो सकता है, अलगाववाद का भी हो सकता है। बच्चों, इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के मुख्य बातों को स्पष्ट कीजिए और इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। पूर्वोत्तर में प्रवासियों की क्या समस्याएं थीं, उनके बारे में असमी लोगों के क्या संदेह थे, और 1985 के असम समझौते का उल्लेख कीजिए। वस्तुतः बच्चों, भारत का जो संविधान है
वह सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी क्षेत्रों को बराबर का दर्जा देता है। और जब कभी यह लगेगा किसी भी धर्म को, जाति को या फिर क्षेत्र के लोगों को कि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उनकी आवाज़ें उठेंगी। उनकी आवाज़ें एक सीमा तक उठे, स्वायत्ता तक उठे और मतलब अपने अधिकारों के लिए उठे, तब तो ठीक है। लेकिन अलगाववाद के रूप में उठेगा तो यह देश की अखंडता के लिए खतरा होगा। तो इसीलिए सरकार को सबके साथ मिल करके सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देना होगा, सभी क्षेत्रों का समान विकास करना होगा, जिससे कि सभी लोग अपने भारतवर्ष से प्रेम कर सकें। धन्यवाद।